वेलकम टू डार्क नाइट क्लब टैरो। टुडेज टॉपिक कि आपके पार्टनर को आपको लूज करने का मतलब के रिग्रेट है कि आपके पार्टनर ने जो सब कुछ किया आपके साथ उस चीज को लेकर आपके पार्टनर सोचते हैं तो अच्छी कलेक्टिव फीलिंग होगी, टाइमलेस फीलिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है डार्क नाइट क्लब टैरो शॉर्ट्स के नाम से, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे 58 to 59 सेकंड का एक छोटा सा शॉर्ट होता है, तो वहाँ पर आपको जिनके पास टाइम नहीं है या जो बहुत ज़्यादा वर्किंग या तो किसी ट्रैवल की वजह से या वर्क की वजह से आप लोग लॉन्ग रीडिंग्स को वॉच नहीं कर पाते, तो उन शॉर्ट्स रीडिंग को आप देख सकते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। ठीक है, ओके, लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। अच्छी देखते हैं कि आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का, जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया, जिस तरीके का बिहेवियर रखा, जिस तरीके के एक्शंस लिए, कि आपके पर्सन को ज़रा सा भी एहसास है जो ये पर्सन कर चुका है, क्या उस चीज को लेकर ये पर्सन सोचता भी है या नहीं। लेट्स सी। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज करने का? ओके, एस ऑफ फैन। यहाँ पे एस ऑफ फैंस की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन एनर्जी, ये पर्सन किसी तरीके का न्यू स्टार्ट तो जरूर चाहता है आपके साथ, लेकिन हर्ट पेन थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ओवर थिंकिंग है लेकिन उसके साथ साथ पेन भी है, उसके साथ साथ एहसास भी है, लेकिन एक क्लाउडेड एनर्जी है। एहसास है इस पर्सन को, लगता है मैंने बहुत सी गलतियां, मैंने बहुत सी मिस्टेक्स कर दी है, लेकिन आपके साथ एक न्यू शुरुआत चाहता है, लेकिन एक क्लाउडेड एनर्जी, एक कंफ्यूजन के साथ है। ठीक है, चीजों को फील कर रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन इसको एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन। अगर आप इस पर्सन से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफी क्लाउडेड एनर्जी है। ठीक है, ओके, क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज करने का? बिल्कुल है, आप काफी इस वक्त कॉन्फिडेंस एनर्जी में है, आपकी एनर्जी काफी ब्राइट, एक शाइनिंग एनर्जी हुई भी है। ठीक है, आप इस वक्त एक पावर में है। ठीक है, आप एक पावरफुल एनर्जी में है इस वक्त, आपको किसी की जरूरत नहीं है। पास्ट में आपने वेट जरूर किया है इस पर्सन का, लेकिन आप उस सैडनेस से, उस होपलेसनेस से आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपका आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट होता जा रहा है, आप खुद का ट्रस्ट बहाल कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है। ठीक है, आप एक पावरफुल एनर्जी में है, आपका ऑरा बहुत ब्राइट हुआ हुआ है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आप वाली एनर्जी में नहीं है, अप्रोच करना, कनेक्ट करना, ठीक है, वो वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव है राइट नाउ। ये पर्सन कोई मैसेज, कोई अपॉलॉजी, कोई टेक्स्ट, आपके साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, जिस तरीके जितनी स्ट्रांग एनर्जी में आप हैं, अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो क्या आप इसकी अप्रोच को एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे? यहाँ पर है, ठीक है, ये पर्सन अगर आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन या मूवमेंट करता है, काफी कंफ्यूज है। मैंने कहा ना, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, जो किया है वो समझ में आ रहा है, ओवरथिंकिंग चल रही है, लेकिन ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है। डायलेमा में है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, थोड़ा सा ओवरथिंकिंग से गुजर रहा है ये पर्सन, एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए। बिल्कुल, आपको कोई मैसेज और कोई टेक्स्ट करने के लिए इसके पास इतना स्टैमिना नहीं है, आपको फेस करने का इतना करेज नहीं है। ठीक है, आप शायद बार बार उस टाइम उसको समझा रहे थे जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन अब विजडम गेन हो रहा है। अब राइट नाउ उस पर्सन को किसी तरीके का, जैसे कि एक विजडम गेन हुआ है, जो उसने किया है वो गलत किया है। शायद 2 साल तक आप इसको इस चीज को क्लैरिफिकेशन देते रहे, आप इस पर्सन को समझाते रहे जो कर रहा है गलत कर रहा है, आप 3 ईयर्स से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन किसी तरीके के स्ट्रेस में, आप एक क्योंकि आपकी पावर को देखकर, आपकी कॉन्फिडेंस एनर्जी को देखकर, ठीक है, आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाहता है, कोई टेक्स्ट करना चाहता है। ठीक है, अच्छी, यहाँ पे देखेंगे क्लैरिफाई एस ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे एस ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई एस ऑफ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ मैरिज और स्टेबिलिटी की शुरुआत चाहते थे। ठीक है, इस पर्सन ने जब आपको ब्लॉक करा तो इस पर्सन का ध्यान कहीं और था, आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, आपके माइंड में ये थी। इस पर्सन ने आपको इसलिए ब्लॉक करा क्योंकि इस पर्सन का ध्यान कहीं और भी था आपके साथ साथ। ठीक है, एक ब्लॉकेज इस पर्सन ने आपके और अपने बीच क्रिएट कर दी है, क्योंकि जब जब आपने कोशिश करी है सृष्टि को स्टेबल और बैलेंस बनाने की, उस वक्त इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है। ठीक है, आपको आपके साथ नो कांटेक्ट में आया है, या आपको उस टाइम
उस टाइम इस पर्सन ने, जिस टाइम आपने इतनी एफर्ट करके सृष्टि को बैलेंस बनाने की कोशिश की, उस टाइम इसने आपको जैसे कि लेट गो फील कराया है, काफी डिस्टर्ब किया है, मेंटली स्ट्रेस लिया है इसमें बैलेंस ना होने की वजह से, सृष्टि में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। ओके, आपकी लाइफ में किसी तरीके की शुरुआत की तरफ है, ठीक है। अब आप इस पर्सन से शुरुआत नहीं मांग रहे, ये सक्सेस आपकी आपकी लाइफ की तरफ नजर आ रही है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन उस पास्ट को रिमाइंड कर रहा है कि आपने बहुत बार इस रिश्ते को स्टेबल और बैलेंस करने की कोशिश करी और इस पर्सन ने आपको बार बार ब्लॉक किया। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है, ये कंफ्यूज है, ठीक है। ये नहीं जानता कि इसको आपकी तरफ मैसेज और टेक्स्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप इस सिचुएशन से उठ चुके हैं, इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। आपका माइंडसेट अब इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या आप इमोशनली डिपेंड नहीं कर रहे आप इस पर्सन पे, ठीक है। आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, एक इमोशनल गैप आ चुका है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत कंफ्यूज है, आपकी कॉन्फिडेंस को देखकर या आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को देखकर या आपको लेकर काफी कॉन्फिडेंट, मतलब कि आपको देख रहे हैं एक लैमलाइट में, आपको देख रहे हैं एक पावरफुल पर्सन की तरह। आप पहले जब को डिपेंडेंट थे आप एक कावर्ड पर्सन थे, ठीक है। आप इसको पाने के लिए आपने हमेशा इसके अच्छे बुरे गलत सही चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया है हमेशा, ठीक है। इसके रॉन्ग स्टेप्स को भी, रॉन्ग एक्शंस को भी आपने सराया है, समझाया है, आपने हमेशा कोशिश की चलो गलती कर दी बात में नहीं करेगा। अब आप वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। आप इसकी गलती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि अब आपके दिल में रही नहीं है, ठीक है। अब आप वो इमोशनली इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आप एक ग्लो कर रहे हैं, आप एक शाइन कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आप पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली वर्क कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने इसके ऊपर मरना छोड़ दिया या इसको तरफ भागना छोड़ दिया है, ठीक है। आप मेल या फीमेल है, आपने इसको चेस करना छोड़ दिया, इस वजह से इसको ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी में किसी तरीके का चेंज है, ठीक है। यहाँ पे ओके क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं एक बैलेंस ऑफर लेकर, ठीक है। आपको कोई लव ऑफर, ठीक है, एक लव ऑफर के लिए आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ रीकनेक्ट होना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मतलब कि इस रिश्ते को दोबारा एक रिवाइव करना चाहते हैं, ठीक है, एक रिन्यूअल पे लेकर आना चाहते हैं। ये कनेक्शन आपके पर्सन अपनी लाइफ में वापस जा रहे हैं आपके साथ, आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक क्वीन की तरह देख रहे हैं या एक किंग की तरह देख रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिख रही है, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी में पहले बात नहीं दिखती थी। इस पर्सन को लगता था आप एक चीजी पर्सन है, आप एक डेस्परेट पर्सन है, आप रिलेशनशिप्स के लिए डेस्परेट हैं, आप इंसानों के लिए डेस्परेट हैं, आप या बहुत एक चीजी इंसान है जो आप समझते नहीं हैं, आप समझना नहीं चाह रहे, आपको चाह नहीं रहा, फिर भी आप इसको चेस कर रहे हैं। तो वो उस टाइम पे एक इंसान का बिहेवियर बहुत एक जैसे कि एक उसका बिहेवियर काफी एक आसमान पे होता है, ठीक है, एक वो एक बहुत कॉन्फिडेंस में होता है, तो उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रांग, एक स्ट्रॉन्ग ईगो, उसका स्ट्रॉन्ग लेवल, ईगो लेवल बहुत हाई हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। ओके राइट नाउ आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है इस रिश्ते में जो एंडिंग हुई है, भाई आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, बिल्कुल रिग्रेट है, ये पर्सन ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है वो साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। आप उस साइकिल में दोबारा एंटर नहीं करना चाहते। सबसे ज्यादा आपके पर्सन को रिग्रेट अपनी गलतियों को भी करने से ज्यादा आपके पर्सन को ये रिग्रेट है वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। आप उस तरीके का आपको ये इंसान जिस तरीके से इसने हमेशा देखा है, जिस तरीके से इसने आपको मतलब के पाया है अपनी लाइफ में, जो आपने इसके ऊपर ट्रस्ट लव और जो आपने एक अनकंडीशनल जो आपने इसको दिया है, वो चीज, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो साइकिल क्लोज हो चुका है, वो एंडिंग आ चुकी है, उस जगह एक खत्म हो चुका है। उस चीज को लेकर ये पर्सन एक स्लीपलेस नाइट में जाता है, मतलब कि इसने ये आपको चाहकर भी वापस नहीं ला सकता अगर जब तक आप खुद ना चाहें, ठीक है। एक रिग्रेट सबसे ज्यादा ये है, आपको रिग्रेट की वजह समझ में आएगी, अपने इस पर्सन ने जो किया वो किया, लेकिन इसको एक रिग्रेट एक नेक्स्ट लेवल का इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि आप बदल चुके हैं, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपको जब आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे थे या जब आप इस पर्सन के साथ चलने के लिए आप इसको बार बार इसको एक चांस दे रहे थे या आप सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, मतलब कि जितना आपने इसको टाइम दिया, जितना बार आपने इसको मौका दिया, इसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, इसने उस चीज को रिजेक्शन ही दी। उस रिजेक्शन ने आपको बहुत चेंज करा है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करा है, आपको पुश करा है अपने पर काम करने के लिए। ये पर्सन ये सोच कर परेशान है, वो साइकिल क्लोज हो चुकी है,
पास्ट के तरीके से पैटर्न दोबारा नहीं चला जा सकता, ठीक है, पास्ट के तरीके से ये रिश्ता दोबारा नहीं चलाया जा सकता, वो चीज, वो कहानी एंड हो चुकी है, ठीक है। और आप एक काफी स्ट्रॉन्ग, इस पर्सन को जैसे कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखकर ये पर्सन हैरान है, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है इसके दिल में, ठीक है। ये अपनी इमोशंस को देख रहा है, ये अब आपके लिए फील करता है, लेकिन अब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, आपके पार्टनर को रिग्रेट है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत ज्यादा ये पर्सन अब इस रिश्ते को लेकर काफी इल्यूजन में है। इस पर्सन को आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आपको ये रिश्ता चाहिए भी नहीं चाहिए, आप इस चीज को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे। इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि कर्मा बैक, ठीक है, इसको अपनी लाइफ में कर्मा फेस करने को मिल रहा है। ये पर्सन हर्ट है, ये पर्सन जो जगह सोच कर गया था वहां इसकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, वहां बैलेंस नहीं हुई, जहां इसने सोचा था अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, वहां कुछ भी नहीं मिला, इसको एक अवेकनिंग हो रही है। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है डेस्टाइन कनेक्शन था, एक सोल कनेक्शन था, एक सोल बॉन्ड था, ठीक है। आपके पर्सन राइट नाउ इस रिश्ते को एक सोल बॉन्ड की तरह देख रहे हैं, एक सोल कनेक्शन की तरह देख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इस सिचुएशन में खड़े हो कि आपके पर्सन पीछे से इस सिचुएशन को वॉच जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की आपके सामने आने की या इस सिचुएशन में दोबारा आने की हिम्मत नहीं हो पा रही। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस पर्सन को पता है कि जो उसने किया है वो इसको रिटर्न मिल सकता है आपसे, ठीक है, आप इसको हर्ट कर सकते हैं बुरे तरीके से। अब ये जो चाह रहा है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है, वो एक बहुत एक खतरनाक है, मतलब कि ये इस सिचुएशन को पीछे खड़े होकर जरूर वॉच कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हैं, इसको नहीं पता। देखिए, आप रिवेंज भी ले सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने फॉरगिव किया है नहीं किया है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो काफी एक मतलब कि स्मार्ट मैन या स्मार्ट वुमेन की तरह हो चुका है, आप समझ चुके हैं इसकी प्लानिंग्स को या इसके प्लॉटिंग को, जो आप ये माइंड गेम्स खेलता था या चीटिंग लाइन, जिससे जिस तरीके से आपको डिसेप्टिविटी दी या जिस तरीके से इसने आपके साथ एक मतलब कि डबल फेस में रहा, डुअल पर्सनालिटी में रहा, ये सब इसने आपके साथ जो कुछ भी किया, आप इसको समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये जब आपके साथ इसको एक फीलिंग्स स्टार्ट हुई है, तब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, ठीक है, इसको रिग्रेट इस चीज का है। अगर ये फीलिंग्स इसको पहले समझ में आ जाती तो ये सब कुछ नहीं कर पाता, ये करता ही नहीं, आपके साथ इतना रॉन्ग, इतना बैड बिहेवियर आपके साथ दिखाता ही नहीं, ठीक है। इसको रिग्रेट इस चीज का है, ये वुंडेड है इस वक्त, अंदर से वुंडेड है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है इसको नहीं पता चल रहा कि आप इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से आप कुछ चाहते भी हैं या नहीं, ठीक है। एक जैसे कार्मिक, इसको कर्मा बैक, जैसे कर्म अपने जो इसने इसने किया है, कर्म किया है जिसने अब इस रिश्ते में किया है, वो चीज ये रियलाइज कर रहा है, किसको कर्मा हिट कर रहा है, क्लैरिफाई टैन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे टैन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई टैन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई टैन ऑफ सोर्ड्स, इन एंड आउट करता रहा ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है। इस पर्सन का जैसे कि बस्ट, एक मतलब कि ये पर्सन एक इतना मेंटली स्ट्रेस पे आ चुका है, इतनी ओवरथिंकिंग चल रही है इस पर्सन की तरफ से, आपको एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, ये अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपके साथ एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में आ सकता है, ठीक है। आप ये पर्सन आपके साथ एक, जैसे कि आपको जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, बहुत सारे मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत ओवरथिंकिंग में है, पेन में है, जो कुछ भी सोच रहा है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इसको एक नाउमीदी की तरफ, इसको एक डिस्टर्ब एनर्जी की तरफ लेकर जा रहा है। इस पर्सन को इस चीज का एहसास हो रहा है, मतलब के जो थे वो आप थे, जो किया प्यार वो आपने किया, अदरवाइज ये पर्सन अकेला रह जाएगा या इसकी लाइफ में बहुत चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसको ये जो इस रिश्ते से जो होपलेस हो रहा है ना, वो चीज इसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इसको वो जिंदगी में हर चीज से एक होपलेस एनर्जी का एहसास दिला रही है, ठीक है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, आपके पार्टनर इस सिचुएशन से, मतलब किस इमोशनल लॉस से निकलने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि वो पहले तो वेट कर रहा था कि शायद आप चेस करेंगे, आप वापस आएंगे, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है नहीं, वो चीज खत्म हो चुकी है, एक क्लोजर आ चुका है, वो उस तरीके से कहानी, उस तरीके से चीजें आपके साथ वापस नहीं चल सकती, आप उस तरीके से दोबारा एक्ट नहीं करेंगे, आप उस तरीके से दोबारा रिश्ता डील नहीं हो सकता। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर स्ट्रक हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ये पर्सन एक मतलब कि ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, दिन रात सोच रहा है,
ओवर थिंकिंग से गुजर रही है इंसान, ठीक है, आपकी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए आपको सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, आपको सोचकर मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में जा रहा है, ठीक है, इसको आपकी तरफ आना है, इसने एक माइंड बनाया आपकी तरफ आना है, लेकिन कैसे आना है, क्या करना है, इसको खुद नहीं पता कि किस तरीके से, किस मूड से आपकी तरफ मूवमेंट करे या एक्शन ले। कर फाय किंग ऑफ फैंस, यहाँ पे है दी हेरोफेंट एंड द फूल, इसको मतलब के क्लियर कर डिसाइड हो चुका है, इसको अपनी ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए एक विजडम गेन हो चुका है, ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता आने वाले टाइम के लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आप इस पर्सन को एक ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, अपने अपने इस ईगोस्टिक बिहेवियर से निकलना पड़ेगा, मतलब के खोखली खुशी को, इसको अपने उस मतलब के उस मार्क्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसने एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा कि ये खुश है, ये अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, इसको आपकी जरूरत नहीं है, ये बहुत टाइम से इसी तरीके का बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई द मूव, क्योंकि आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होने वाली, या तो अब ये साइकिल ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, इस पर्सन को एफर्ट करनी पड़ेगी, विदाउट एफर्ट ये रिश्ता नहीं बन सकता भाई, इस पर्सन को एक्शन तो लेना है, होप तो है, लेकिन मतलब के कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे कि थोड़ा सा डाउट में, इसको नहीं पता, ये कम्प्लीटली श्योर होके आपकी आपसे इसको वो मिलेगा ही मिलेगा जो ये चाह रहा है, ठीक है, ये एक श्योरिटी पे नहीं है, ये मेंटली क्लैरिटी पे नहीं है कि हाँ वो ही देंगे, आप भी वैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप भी इस रिश्ते में उतना ही सोचेंगे या उतना ही इस रिश्ते से वो आउटकम मिलेगा, आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को हील कर पाएंगे, इसका माइंड सेट है इस रिश्ते को आपके साथ मिलकर हील करना, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करना, ट्रस्ट इशूज को रिमूव करना इस रिश्ते से, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि श्योर नहीं है, क्योंकि जो चीज हो चुकी है आपके दिल में इस पर्सन को लेकर बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं, ठीक है। राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन आपको एक परफेक्ट, अपने लिए परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, स्टैग्नेंट, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिश्ता स्टैग्नेंट है, इतना स्लो है, आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है, आप अपने वर्क में बिजी है और ये पर्सन अपने वर्क में बिजी है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा ये क्या करे, ये पर्सन मतलब कि स्टैग्नेंट हुई हुई एनर्जी, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी नजर आ रहे हैं, आप काफी यहाँ पर कोल्ड हो चुके हैं, ब्लंट हो चुके हैं, आप क्लैरिटी देखना चाहते हैं और ये पर्सन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, और ये पर्सन इस चीज का स्ट्रेस उठा रहा है क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका नेचर बहुत चेंज हुआ है, आपका इस पर्सन को, इस कनेक्शन को डील करने का तरीका बहुत चेंज हुआ है, ठीक है, ये आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहता है लेकिन एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट, एक साइलेंट जो एक, इसका जो एक साइलेंट जोन है ना उसको ब्रेक करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो चुका है लेकिन पास्ट इसको काफी एक बर्डन सम एनर्जी में डाल रहा है, पास्ट स्ट्रेस में डाल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये पर्सन क्या करे इसको नहीं पता, हर्ट और पेन है, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस रिश्ते में राइट नाउ, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ब्लंट हुए हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मांगेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर क्लैरिटी मांगने के लिए बैठे हुए हैं, आप या आर या पा, ठीक है, आप या तो ये आपको कोई सॉलिड स्टेबिलिटी या तो क्लैरिटी देगा या तो बिगनिंग देगा, ठीक है, या तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा या तो ये रिश्ता खत्म होगा, ये स्ट्रेसफुल एनर्जी में, इसको नहीं पता कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेता है या तो आपकी तरफ आता है तो क्या होगा, ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस, आप इस कनेक्शन के स्ट्रेस को नहीं लेना चाहते, इस रिश्ते का जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट है या तो एक पॉज लगा हुआ है आपके पर्सन के लिए काफी स्ट्रेस, एक स्ट्रेस में डाल रहा है, आपके पार्टनर को सही से क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप इस पर्सन को ये भी है कि आपकी जिंदगी में कोई और ना आ जाए, आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाए, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई, ये आपसे बहुत ज्यादा बहुत सारा इमोशंस एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, टावर, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे इस रिश्ते में जैसे कि एक ऑनेस्टी लॉयलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर्सन चाह रहा है आप इस टावर मोमेंट जो आया है उससे बाहर निकले, ठीक है, आप लोग इस टावर से निकले, इस टावर से आप लोग बाहर आए, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आया है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप जैसे कि
उस टावर के बाद तो अपनी लाइफ में आप अपने आप पर ज्यादा फोकस हो चुके हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं आप इस रिश्ते को भी फोकस बनाए, इस कनेक्शन को भी फोकस बनाए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बिजी हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, अपने अपने अबंडेंस पे बिजी हैं, अपने काम पे बिजी हैं। ठीक है, इस रिश्ते की फाउंडेशन आपसे थी और आप इस रिश्ते पे वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी अपने आप फाइनेंशियल लाइफ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में या अपने लोगों में कनेक्ट हुए हुए हैं। ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है। आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस रिश्ते की एक न्यू शुरुआत रखें, क्योंकि बिल्कुल टू ऑफ कप्स। ये पर्सन यहाँ पर दोबारा आपसे प्यार एक्सपेक्ट करता है। ये सोचता है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप इस रिश्ते के बारे में सोचें, आपके पार्टनर भी तो सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को आपसे एक ही वाइब मिल रही है, बहुत ज्यादा डिटैच और कोल्ड वाइब मिल रही है। आप जो आपका जो टाइम अपना ज्यादातर एक प्रैक्टिकल लाइफ को मैनेज करने में जाता है, ये पर्सन स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। एक इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच, स्टॉकिंग चल रही है, आप लोग डिटैच हैं, इमोशनली लेट गो कर दिया है आप दोनों ने इस रिश्ते को। मुझे ऐसा लग रहा है इक्वल एनर्जी मिल रही है, आपकी तरफ से भी वही एनर्जी है, आपकी तरफ से भी वही डिटैचमेंट नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी है दोनों तरफ से, और इमोशनली एक गैप आ चुका है, इमोशनल गैप है आप दोनों के बीच अब राइट नाउ। ठीक है, इमोशनल गैप से गुजर रहा है रिश्ता, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल गैप। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी पर्सन को अब अवेकनिंग मिल रही है, सृष्टि को लेकर अवेयरनेस मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अब ऐसा लगता है कि जो आप में पहले अट्रैक्शन थी, पैशन था इस रिश्ते को लेकर, जो आप इस रिश्ते को देना चाहते थे, जहां आप पहुंचाना चाहते थे, इस पर्सन ने जैसे कि उस टाइम आपके माइंडसेट को नहीं समझा, या सिचुएशन को नहीं समझा, या बहुत देर कर दी। ठीक है, बहुत देर हो गई, वो चीज शायद आपके दिल से निकल गई, या आपका माइंडसेट बदल गया, या आपकी सोच बदल गई, आपका प्यार बदल गया। अब आपको वो फीलिंग्स नहीं आती हैं, अब वो आपको वो एक्सपेक्टेशन नहीं है इस पर्सन से। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए जब अवेकनिंग में आ रहे हैं, जब ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं नजर आ रहे हैं। आप स्टॉक एंड सर्च करते जरूर है ये पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन अगर आप बोले कि आपको इससे प्यार है, ठीक है, नहीं, आपको मैं नहीं देख पा रही कि आप यहाँ पर एक लविंग केयरिंग एनर्जी को यहाँ पर आप चाहते हैं। ठीक है, अच्छी, देखते हैं यहाँ पर क्या एडवाइस है आपको, करना क्या चाहिए इस रिश्ते में। आपके पर्सन को यहाँ पर रिग्रेट भी, और सबसे ज्यादा रिग्रेट है आपके आगे बढ़ने का, सबसे ज्यादा रिग्रेट है आपके एक पावरफुल एनर्जी में आने का, आपको अपनी वर्थ जो समझ में आई है, इस पर्सन को सबसे ज्यादा रिग्रेट उस चीज का है। सन एंड स्टार, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक शाइनिंग और एक हीलिंग एनर्जी की तरफ जाएं। ठीक है, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे काम करें। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल आप फ्यूचर को लेकर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप डिवाइन पे ट्रस्ट करें, फेथ रखें। ठीक है, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, जो भी कुछ हुआ अफर्मेट करें, अफर्मेशन करें, जो आपकी लाइफ में टावर आया, जो भी आपकी लाइफ में जिंदगी में हुआ, उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, रेस्ट एंड रिज्यूविनेट, थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने अपने सेल्फ को रेस्ट भी दें। ठीक है, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, आप फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं, फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेक अ मूव, थोड़ा सा एक इजी एनर्जी में आ जाएं, मेक अ मूव करें, थोड़ा सा इस थॉट से निकलें, इस थॉट से बाहर आएं। ठीक है, उस थॉट को लेकर बहुत ज्यादा मत सोचें। ठीक है, चेंज एंड प्रोग्रेस आपकी लाइफ में हर तरीके से, आपके इमोशंस में, आपके फाइनेंशियल चीजों में, आपकी अबंडेंस में, आपकी एक लव लाइफ में चेंज आ रहा है, प्रोग्रेस आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, लिसन टू योर विजडम, आप अपने विजडम को सुने, आपका विजडम आपको कुछ कहना चाह रहा है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है, अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, आप एक नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशनशिप और आपकी सिचुएशन जा रही है। ठीक है, तो शूटिंग को यहीं पर रखूंगा, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।